जिला परिषद सदस्य संत राम और सीएमए के पीएस तो बलवंत सिंह के बीच चल रहा विवाद दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने और पुलिस में शिकायत देने के बाद अब जिला परिषद सदस्य संतराम ने सीएम के पीएस तो बलवंत सिंह को उनके पद से हटाने की मांग की है। संतराम ने डीजीपी को पत्र भेजा और उसके बाद पत्रकार वार्ता करके यह मांग उठाई। संतराम का कहना है कि उन्होंने पुलिस को जो शिकायत दी है उसकी जाँच को बलवंत सिंह प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बलवंत सिंह खुद को गुप्तचर विभाग का कर्मचारी बता रहा है और मौजूदा समय में सीएम के पीएसओ के नाते काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को साथ रखकर सीएम की छवि भी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं हो जाती है तब तक पीएसओ को इस पद से हटाया जाना चाहिए। बहिष्कार राम का कहना है कि सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिखकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। इस बारे में वे कानूनी राय ले रहे हैं और उपरांत इसके ही मानहानि का दावा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को न्यायालय तक लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि सराज क्षेत्र के खलबान बाढ़ से जिला परिषद सदस्य संतराम ने 15 नवंबर को बाली चौकी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह ने उन्हें फोन करके धमकी दी और गाली गलौज भी किया। वहीं इसके अगले दिन बलवंत सिंह ने भी बाली चौकी पुलिस चौकी में शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने संतराम पर कमीशन वसूलने और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी इन शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस शिकायतों की जाँच पड़ताल कर रही है। सुंदरनगर उपमंडल के महादेव गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रूपेश शर्मा पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। डीएसपी सुंदरनगर ने जांच के दौरान पुलिस को दिए बयान में कहा कि रूपेश शर्मा सरकार के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं। रूपेश शर्मा का कहना है कि अगर वे ऐसी गतिविधियों में शामिल है तो फिर पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। रूपेश शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता करके अपनी ये बात रखी और पुलिस की तरफ से आए जवाबी पत्र को मीडिया कर्मियों के साथ साझा किया। आपको बता दें कि माननीयों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी के बाद रूपेश शर्मा ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ सुंदरनगर में चंदा इकट्ठा करके इस फैसले का विरोध किया था। रूपेश की पत्नी पुलिस विभाग में ही कार्यरत है। रूपेश का इस हरकत के बाद उसकी पत्नी का सुंदरनगर पुलिस थाना से धर्मपुर के लिए तबादला कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस तबादला आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद रूपेश ने डीएसपी सुंदरनगर और स्थानीय एमएलए के खिलाफ डीजीपी को एक शिकायत भेजी थी। तबादले को राजनीतिक भावना से किया गया। तबादला बताया था रूपेश की इस शिकायत की एएसपी मंडी पुनीत रघु ने जांच की और बयान दर्ज की। अब जांच के बाद रूपेश को जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डीएसपी सुंदरनगर का बयान भी दर्ज है। इस बयान में डीएसपी सुंदरनगर कहते हैं कि उन्होंने रूपेश की पत्नी तमन्ना को सिर्फ इतना कहा था कि उसका पति सरकार के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहा है और वे उसे समझाए। रूपेश का कहना है कि डीएसपी सुंदरनगर और जिला पुलिस ये बताए कि उन्होंने ऐसी कौन सी गैर कानूनी गतिविधियां सरकार के खिलाफ की हैं। यदि की है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। रूपेश ने जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि पूरे मामले की फिर से उच्च स्तरीय जाँच की मांग उठाई है। राफेल और गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने पर सोलन उपायुक्त कार्यालय के बाहर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तड़ी पार नहीं चलेगा कि नारे लगाते हुए अमित शाह की तरफ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने इस देश को दो दो प्रधानमंत्री दिए हैं, उनकी सुरक्षा को हटाना बड़ी ही शर्मनाक बात है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से केंद्र और बीजेपी राफेल डील को लेकर प्रचार कर रही है उसके लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक देश के चलते
गांधी परिवार की एसपीजी हटवाई है। उन्होंने कहा कि जिस देश के लिए गांधी परिवार ने अपने दो सदस्यों की जान दी है उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक देश के चलते गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई है, वही वे साधु पंतों और भ्रष्टाचार नेताओं को सुरक्षा देने में लगे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार को मिली एसपीजी सुरक्षा को बहाल नहीं किया जाता तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसके चलते उन्होंने डीसी सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा कि जल्द से जल्द गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा को बहाल किया जाए।